हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रेनू भट्ट और स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो आज मम्मी और मैं आए हैं यहाँ एक मीटिंग में, जो कि है घनश्याम ओली वेलफेयर की ओर से। तो यहाँ पे इनके जो चीफ गेस्ट आए हैं वो मिस्टर राजू रावत। निस्वार्थ भाव से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है बेस्ड टोटली उसी पे है। और शायद मुझे ऐसा लगा कि जब पहले हम लोग काम किया करते थे तो बहुत कम एप्रिसिएशन ऐसे काम का होता है जो लोग निस्वार्थ भाव से करते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो शायद अभी भी हमको इस पूरे के पूरे प्रोग्राम के दौरान भी नहीं मिल पाए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने दो तीन नाम भी सुने थे लेकिन हम नहीं पहुँच पाए वहाँ तक। आज हमने कोशिश करी है कि 10 से 12 ऐसे लोग जो कि पिथौरागढ़ क्षेत्र में बहुत लंबे वक्त से कार्य कर रहे हैं समाज के लिए और हर एक वर्ग के लिए, तो हमने सोचा कि आज उनको एक छोटा सा सम्मान समारोह उनके लिए हम लोग आयोजन करें। और उसी के साथ साथ आज के तो हो चुके हैं यहाँ पे प्रोग्राम की स्टार्टिंग एक सॉन्ग से, तो आप देख सकते हो यहाँ पे और एंजॉय किए सॉन्ग को। तो अभी यहाँ पे मिस्टर राजू रावत जी कुछ हमसे बातें करेंगे, तो आप भी सुनिए। निस्वार्थ भाव से समाज के अंदर काम करते ऐसे हमारे घनश्याम चाइल्ड एकेडमी के हमारे डायरेक्टर और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित जो आज सम्मानित हो रहे हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में एक वॉलेंटियर के रूप में समाज के अंदर जागरण, समाज के अंदर चेतना, निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले ऐसे जो इस कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले हैं, ऐसे सभी समस्त हमारे सम्मानित नागरिक, हमारे बुजुर्गण और प्यारे बच्चों, आज समाज में हर चीज़ जरूरत है। आज हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप समाज के अंदर काम कर रहे हैं, हर काम जो वॉलंटियर है या स्वयं सेवक हमारे अंदर क्या है कि आजकल सेल्फ वाले हो गए, हम अपने को देखते हैं, भाई मेरा ठीक हो रहा है, मेरे परिवार ज़्यादा से ज़्यादा परिवार को, परिवार भी कौन सा परिवार, जो हमारे सभी पहले परिवार होते थे वो नहीं होते, परिवार कितने का होता तो होता था, जो हमारे प्राचीन समय में परिवार होता था 25-30 जनों, एक परिवार कम से कम 25-30 जनों का होता था, आज परिवार सीमित हो गया, 4 जनों का है, 4 नहीं तो 3 जनों का है। तो समाज में कुछ समय बाद आप देखोगे कि समाज का स्वरूप भी चेंज हो रहा है, लेकिन हमारी भागीदारी समाज के अंदर होनी चाहिए। आज हम अपने शहर को ठीक करते हैं, अपने गाँव को ठीक करते हैं, अपने मोहल्ले को ठीक करते हैं, तो उसमें हमारी भी भागीदारी रहनी चाहिए। आज हम कई कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाते हैं, सरकार बहुत अच्छी नीति बनाती है, बहुत अच्छे कार्यक्रम, कोई भी सरकार हो, हमारी हो या किसी और की या नगर पालिका हो, लेकिन उसको जमीन में ले जाने का काम किसका है? समाज अगर उन क्रियाओं को, अगर उन कार्यक्रमों को एक्सेप्ट करेगा तो उनकी सफलता है, उस जो नीति हमारे द्वारा बनाई गई है, जो कार्यक्रम की योजना हमारे द्वारा है, तो उसकी सफलता तब होती है जब उसमें समाज पे जुड़ता है, समाज की भागीदारी ज्यादा होती है। इसलिए कोई भी कार्यक्रम है जो जनहित में है, जिससे हमारा हित हो रहा है, तो उसमें हम लोगों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ये मेरा इस अवसर पर आप सभी लोगों से कहना कि ये कार्य बहुत बड़ा कार्य, कभी कभी कोई निस्वार्थ भाव से आप कार्य करते हैं।
तक उस काम को पहुंचाने का जो काम है वो हमेशा से ही मीडिया का रहा है। अभी आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि एनडीटीवी बिक गया, लेकिन रवीश ने वहां से अपना वो दे दिया, रवीश जी ने, और ऑटोमेटिकली उनका नाम एक बहुत बड़े हाईलाइट हुआ है, बहुत सारी चीजें जोड़ी जा रही हैं इस तरीके से। तो वैसे ही हमारे बीच भी हमारे जिले के भगत दर्शन पांडे जी हैं मधुजाला से, और सर भी पिछले कई सालों से निस्वार्थ भाव से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं कि समाज तक जो अच्छी चीजें हैं वो पहुंचे। आज क्योंकि सर को कहीं जाना भी है तो मैं सीधा प्रोग्राम पे ही आता हूँ सीधा। आज के जो हमारे ऐसे 10 से 12 लोग हैं जिनको हम आज सम्मानित करने जा रहे हैं, मैं उनके एक बार लिस्ट सूची है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे कैलाश कुमार जी हैं जो भाव राग ताल एकेडमी से हैं। आप जानते होंगे कि अभी इनको बिस्मिल्ला खां पुरस्कार से भी नवाजा जा रहा है। भारत जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसके क्षेत्र में और नाटक के क्षेत्र में, थिएटर के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो थोड़ा घर से गर्व की बात है। इसके बाद हमारे बीच रेखा जोशी मैम है। रेखा जोशी मैम के लिए एक बार जोर मुझे मिले हुए अभी कुछ 2-3 साल ही हो रहे हैं, लेकिन जब भी मैं उनको देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार अगर नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं या महिला सशक्तिकरण की बात हम लोग अपने जिले में करते हैं तो उसका एक जीता जागता उदाहरण है मैम अपने आप में। अपने ही परिवार के लिए नहीं, न जाने कितनी बच्चियों के लिए मैडम ने बहुत सारे क्षेत्रों से अपने भी जो मतलब इनके अपने साधन है, संसाधन है, उनको भी लगाकर बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन काम किया है। इसके साथ ही हमारे साथ आज सरोज वर्मा मैम है जो कि LSMPG महाविद्यालय से हैं। मैम के लिए मैंने जब सर से बात करी तो मैं 2 सेकंड के लिए चुप हो गया था बिल्कुल। अब उसका रीजन क्या था कि जब भी मुझसे कोई पूछता है कि आपने क्या किया है, कैसे किया है, तो मैं उनसे कहता हूं कि मैं अब तक सिर्फ पिथौरागढ़ क्षेत्र में 3000 से ऊपर सेशन कर चुका हूं बच्चों के भविष्य के लिए। तो जब सर ने मुझे, मैंने सर को फोन किया तो सर ने पता मुझसे क्या बोला, सर ने मुझसे कहा कि, मैंने कहा सर आपने अभी तक कितने केस सॉल्व किए हैं, कितने लोगों का हेल्प हुआ है, कह रहे मैं कहां बता पाऊंगा ऐसा। मैंने कहा क्यों सर, कह रहे हैं कि अभी तक मैंने 4 से 5 हजार ऐसे लोग जिनका पेंशन नहीं लगा था या जिनको परेशानी हो रही थी और रुपया नहीं मिल रहा था, उनका पेंशन सर ने लगाया है, और अभी भी इस उम्र में भी लोगों के पास जाकर 10 जगह बात करके सर उनका हेल्प करते हैं। मैं चाहूंगा एक फिर से सर के लिए। इसके बाद हमारे साथ श्रुति लोहनी जी हैं। श्रुति लोहनी मिले हैं मुझे अभी 2-1 साल ही हो रहे हैं, और ये लॉकडाउन के टाइम की बात है जब मैं इनसे मिला, और मैंने देखा कि लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं निकल रहा है, बट एक लड़की है जो अपने ही घर में रोज 10-10, 15-15 किलो चावल बनाकर, रोटियां बनाकर, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो जानवर हैं, उनको खिलाने का काम कर रही है। तो मैं इनसे बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि ऐसे ऐसे लोग समाज में बहुत ही कम होते हैं और बहुत कम सपोर्ट ऐसे लोगों को मिलता है, लेकिन फिर भी निस्वार्थ भाव से अपने ही संसाधन, घर का चावल नहीं है, डांट मिल रही है, 10 लोगों से बोल रही है, और फिर भी लोगों को मतलब जानवरों को खिलाने का काम कर रही है। तो श्रुति आप बहुत धन्य हैं, प्रणाम आपको मेरी तरफ से। बहुत बहुत नीलू भट्ट मैम है। मैं जब 2015 में यहाँ आ रहा था तब मेरी प्रेमा मैडम के माध्यम से इनसे मुलाकात तो नहीं हुई, बट इनका इनका जानना हुआ। तो मैम तब से लेकर पिछले 8 साल से, देखिए हम सब होते हैं एक पौधा लगाते हैं, बट उस पौधे को हम क्या रोज पानी दे रहे हैं, क्या हम कंटिन्यू हैं अपनी चीजों को लेकर, ये बहुत मैटर करता है। तो मैम पिछले 7-8 सालों से कॉन्टिन्यूस हमारी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों के लिए, और भी बच्चों के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं और भी बच्चों के लिए लगातार दान करने का काम करती है, और इनके लिए बहुत जोरदार तालियां बजाऊंगा। इसके मैं चाहता हूं कि मैंने अभी जिसका नाम लिया है, आप प्लीज सब लोग एक बार स्टेज में आ जाएं। सर हम लोग एक शॉल छुड़ा के और स्मृति चिन्ह देकर आपका स्वागत करते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम को जारी रखेंगे, ठीक है। एक बार सब लोग आप लोग आ जाएंगे जिन जिनका मैंने नाम लिया था, और बाकी लोग तालियां बजाते रहे। जी भी हैं जो कि नगर पालिका से ही हैं, इनका योगदान भी बहुत बेहतरीन है, भले ब्लड डोनेशन हो या एनिमल्स के उसमें हो या फिर समाज के हर एक क्षेत्र में, इनका भी एक बार जोरदार तालियों स्वागत करना चाहिए। मैं एक बार नाम ले लेता हूँ, आप सब लोग एक साथ आ जाइए यहाँ पे। पूजा भट्ट जी, जी पूजा भट्ट, कैलाश जी, तो देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोगों को बुला दिया है सम्मानित करने के लिए। एक बार शॉल उड़ाकर हम जितने हमारे अतिथि यहाँ इनका सम्मान करेंगे।
एक बार जोरदार तालियां बजा। क्योंकि हर क्षेत्र के व्यक्ति वहाँ पर बैठे हुए हैं, शिक्षा क्षेत्र से भंडारी सबको तो मैं पहले से भी जानती हूँ। तो अभी यहाँ पर राजू रावत जी चले गए हैं और प्रोग्राम को कंटिन्यू किया जा रहा है। अकाउंट में थे हम, राजस्व में थे, तो इनका तो व्यक्तित्व भी और नेचर भी बहुत अच्छा है, ये लेखन में माहिर है हमारे, तो कहीं ना कहीं इनसे भी हमको सीखने का मौका मिलता है। और हमारे जो बच्चे बैठे हैं, अभी घर से निकलते हैं तो अपने साथ दो तीन बिस्किट या रोटी तो ज़रूर रखिए, क्योंकि हमें लगता है ना कि जो ये जानवर हैं ये भूखे नहीं हैं, पर इन्हें ये भूखे होते हैं, इन्हें नहीं खाना मिलता कहीं भी। जैसे जो एनिमल्स बोर्ड में घूमते हैं ना, आप लोगों को चाहिए कि अपने अड़ोस पड़ोस वालों को समझाइए, क्योंकि मुझे तो बहुत गालियाँ मिलती हैं, कहीं सपोर्ट भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं मिलता, पर गालियाँ बहुत खाई हैं मैंने इसलिए। जो प्राइज लाने के बाद इतनी मेहनत कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कोई नहीं। और दूसरी बात, मैंने आज नहीं, बहुत पहली सर से सीखी थी कि अगर आपके पास 10 रुपये भी है ना, तो फिर भी आप 2 रुपये की मदद तो किसी की कर ही सकते हो। थैंक यू, मुझे हमारे कॉलेज से पिछौरा जंक्शन।